Welcome back, student. So in this lecture we discuss about the type of life insurance policy. First है आपकी whole life policy. सबसे पहले हम देखते हैं किस किस टाइप की होती है. देखो on page number 92 the document contains a written contract between the insurer and the insured along with the terms and condition of insurance is called the पॉलिसी. हमने अभी पढ़ा था जो रिटन एग्रीमेंट होता है वो क्या कहलाता है, एक तरीके से पॉलिसी कहलाता है बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड. ठीक है, आफ्टर द प्रपोजल फॉर्म इज फिल्ड बाय द इंश्योर्ड और द प्रपोजल. ठीक है, इंश्योर्ड कौन होता है, जो इंश्योरेंस करवाता है. ठीक है, एंड द इंश्योरर दैट इज इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट द फॉर्म एंड द प्रीमियम. अ पॉलिसी इज इशू टू द इंश्योरर. ठीक है, जैसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उस फॉर्म को तो पॉलिसी क्या हो जाती है, इशू हो जाती है विद द इंश्योरर. ठीक है, नाउ पीपल हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स एंड देयरफॉर दे वुड लाइक अ पॉलिसी टू फिल फॉर ऑल देयर नीड्स. ठीक है, आप देखो अलग अलग पीपल्स के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, इसलिए क्या हमने अलग अलग तरह की पॉलिसीज बनाई जाती हैं. द नीड्स ऑफ पीपल फॉर लाइफ इंश्योरेंस कैन बी फैमिली नीड्स, चिल्ड्रन नीड्स, ओल्ड एज एंड स्पेशल नीड्स. टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल द इंश्योरर हैव डेवलप्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज होल लाइफ. ठीक है, होल लाइफ पॉलिसी या होल लाइफ इंश्योरेंस. ठीक है, एंडोमेंट टाइप प्लान्स, कॉम्बिनेशन ऑफ होल लाइफ एंड एंडोमेंट टाइप प्लान्स, चिल्ड्रन इंश्योरेंस प्लान्स एंड एन्युटी प्लान्स, सम ऑफ दीज आर डिस्कस्ड बिलो. सबसे पहले हमारा होल लाइफ पॉलिसी. इन दिस काइंड ऑफ पॉलिसी द अमाउंट पेबल टू द इंश्योर्ड विल नॉट बी पेड बिफोर द डेथ ऑफ द अश्योर्ड. अब इस केस में क्या होता है, जब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा जब तक कि आपकी डेथ नहीं हो जाएगी. ठीक है, द सम देन पेड देन बिकम पेबल ओनली टू द बेनिफिशियरी और अ हायर ऑफ द डिजीज. ठीक है, तो किसको पेमेंट होगा, जो उसके डिपेंडेंट्स हैं या फिर जो उसके बेनिफिशियरी हैं, जो डिजीज पर्सन के जो पर्सन मर गया है उसके जो डिपेंडेंट है उसके जो बेनिफिशरीज हैं उनको वो अमाउंट क्या होगा, पे हो जाएगा. The premium will be payable for a fixed period that is 20 or 30 years or for the whole life of the assured. या तो आपने उसमें time duration लिखा रखी है कि भाई जब मैं 60 साल का हो जाऊँगा या मैं जब मैं 50 साल का हो जाऊँगा तो मुझे पॉलिसी का अमाउंट मिल जाना चाहिए. ठीक है, या तो आप उतने साल के हो जाएंगे तब आपको या तो पैसा मिल जाएगा, अदरवाइज उस ड्यूरेशन से पहले आपकी डेथ हो गई तो फिर आपके बेनिफिशरीज को अमाउंट मिल जाएगा. और फॉर द लाइफ ऑफ द अश्योर्ड if the premium is payable for a fixed period the policy will be continued till the death of the assured. agar aap abhi tak premium pay kar rahe hain theek hai to jo policy hogi wo continue rahegi jab tak ki assured ki death nahi ho jati hai. fir second aata hai hamara endowment life assurance policy. theek hai, the insurer that is insurance company undertakes to pay a specified sum when the insured attains a particular age or on his death whichever is earlier. ठीक है, मान लीजिए या तो आपका टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो चुका है कि अभी इस ड्यूरेशन तक की आपने पॉलिसी कराई थी, या तो वो टाइम ड्यूरेशन आपका कंप्लीट हो चुका है या फिर उससे पहले आपकी डेथ होगी, दोनों में से जो भी अर्लियर होगा उस टाइम पे आपको इस पॉलिसी का पैसा मिल जाएगा. ठीक है, द सम इज पेबल टू हिज लीगल हायर और नॉमिनी नेम देयर इन केस ऑफ डेथ ऑफ द अश्योर. मान लीजिए अगर आपके टाइम ड्यूरेशन से पहले अगर आपकी डेथ हो जाती है तो हम जब भी पॉलिसी लेते हैं तो हमें उसमें एक नॉमिनी बनाया जाता है, एक पर्सन को चूज करना पड़ता है जिसको हम नॉमिनी बनाते हैं. मान लीजिए अगर एक हस्बैंड है तो नॉमिनी शायद अपनी वाइफ को बना दे, या फिर अपना कोई भी जो बड़ा बेटा हो या बेटी हो उसको अपना नॉमिनी बना सकता है. तो उस केस में अगर फादर की डेथ हो गई तो जो भी नॉमिनी होगा उसको उसका पैसा मिल जाएगा. ठीक है, अदरवाइज द सम विल बी पेड टू द अश्योर्ड आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड दैट इज टिल ही शी अटेंड्स अ पर्टिकुलर एज. अगर उसकी डेथ नहीं हुई जब तक पॉलिसी का ड्यूरेशन खत्म नहीं हो जाएगा तब तक वो पैसा नहीं मिलेगा. दस द एंडोमेंट पॉलिसी मेच्योर्स आफ्टर लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स. ठीक है, फिर आता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी. दस पॉलिसी इज टेकन अप टू टेकन अप बाय टू और मोर पर्सन. अब इस केस में या तो एक या एक से ज़्यादा पर्सन क्या होगा पॉलिसी लेंगे. द प्रीमियम इज पेड जॉइंटली और बाय आइदर ऑफ देम इंस्टॉलमेंट और लंप सम. या तो जो प्रीमियम जो पे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये पॉलिसी ज़्यादातर क्या होता है हस्बैंड वाइफ ही लेते हैं. ठीक है, या कोई भी एक पार्टनर्स ले लेंगे तो जो भी प्रीमियम आएगा दोनों क्या करेंगे आपस में शेयर करके उस प्रीमियम को पे करेंगे.
The short sum or policy money is payable upon the death of any one person to the other survivor or survivors. मान लीजिए दो जने हैं, अगर उसमें से एक बंदे की डेथ हो गई तो नेक्स्ट जो सर्वाइवर होगा या फिर जो नेक्स्ट उसका जो पार्टनर होगा उसको उसका पैसा मिल जाएगा. ठीक है. यूजली दिस पॉलिसी इज टेकन अप बाय हस्बैंड एंड वाइफ जॉइंटली और बाय टू पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म वेयर द अमाउंट इज पेबल टू द सर्वाइवर ऑन द डेथ ऑफ द आइदर ऑफ द टू. ठीक है. जो भी सर्वाइवर होगा उसको उनका पैसा मिल जाएगा अगर किसी की भी एक की डेथ हो गई तो. फिर आगे हमारा एन्युटी पॉलिसी. अंडर दिस पॉलिसी द अश्योर्ड सम और पॉलिसी मनी इज पेबल आफ्टर द अश्योर्ड अटेन्स अ सर्टेन एज इन मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली और एनुअली एनुअल इंस्टॉलमेंट. ठीक है. इस पॉलिसी में क्या होता है, जो अश्योर्ड सम होता है या फिर जो पॉलिसी का जो पॉलिसी का जो पैसा होता है, ठीक है, वो पेबल हो जाएगा किसको, अश्योर्ड का जब या फिर वो कोई पर्टिकुलर एज में उस पर्टिकुलर एज में पहुंच गया है कि हाँ भाई मान लीजिए मैंने पॉलिसी कराई थी कि हाँ मुझे 60 ईयर्स के बाद पैसा मिल जाना चाहिए. तो जब मैं 60 ईयर्स की हो जाऊंगी तो मेरी इच्छा है कि मैं उस पैसे को या तो मंथली लेना चाहूँ या क्वार्टरली लेना चाहूँ तो मुझे उस टाइम पे पैसा मिल जाएगा. द प्रीमियम इज पेड इन इंस्टॉलमेंट ओवर अ सर्टेन पीरियड और सिंगल प्रीमियम मे बी पेड बाय द अश्योर. ठीक है. दिस इज यूजफुल टू दोज हु प्रेफर अ रेगुलर इनकम आफ्टर अ सर्टेन एज. और ये पॉलिसी उन लोगों के लिए बेनिफिट में रहती है. मान लीजिए कि मेरा 60 ईयर्स के बाद मैं जानती हूँ मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा. ठीक है. तो उस केस में मैं चाहती हूँ कि भाई जब मेरा 60 ईयर्स की हो जाए तो इस पॉलिसी से मुझे ऐसे बेनिफिट मिले कि मान लीजिए जो रेगुलर मंथली टू मंथली मेरे को एक तरीके से इंस्टॉलमेंट में पे होती रहे मेरा पॉलिसी का अमाउंट, ताकि मेरा एक रेगुलर इनकम की तरह ही मेरे को बेनिफिट मिलता रहेगा. लास्ट है इसमें चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी. दिस पॉलिसी इज टेकन बाय अ पर्सन फॉर हिज और चिल्ड्रन टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द एजुकेशन और मैरिज. मान लीजिए कुछ पेरेंट्स होते हैं जो भी शुरू से ही बच्चे के पैदा होते ही उनकी पॉलिसी करा देते हैं ताकि जब उनकी एक एज ऐसी आएगी जब उनको हायर एजुकेशन के लिए हमें बाहर भेजना पड़े या फिर मान लीजिए उनकी मैरिज के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है तो उस टाइम पे हम इस पॉलिसीज को ले लेते हैं. द एग्रीमेंट स्टेट दैट अ सर्टेन सम विल बी पेड बाय द इंश्योरर व्हेन द चिल्ड्रन अटेन अ पर्टिकुलर एज. ठीक है. तो जब पर्टिकुलर एज बच्चे की आ जाती है, मान लीजिए 18 ईयर्स में पेरेंट्स ने करवाया कि 18 ईयर्स का मेरा बच्चा हो जाएगा तो इसको एक पॉलिसी का पैसा मिल जाएगा. द प्रीमियम इज पेड बाय द पर्सन एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. हाउएवर नो प्रीमियम विल बी पेड इफ यू डाई बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी. और जब तक जैसे आपके जो पेरेंट्स होते हैं जब तक क्या उस पर्टिकुलर एज में नहीं आ जाते हैं तब तक वो प्रीमियम पे करते रहते हैं. ठीक है. हाउएवर नो प्रीमियम विल बी पेड इफ यू डाई बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी. ठीक है. और जब तक हमें प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपकी पॉलिसी मैच्योर होने से पहले उनकी डेथ हो जाती है. तो दैट्स ऑल स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज फिनिश्ड हियर. रिमेनिंग पोर्शन विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.